हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू न्यू वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आपको बताए कि रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है पुराने वाली बुलेट 350 स्टैंडर्ड 350 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एंड कंपनी की तरफ से नई 350 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है दोस्तों आज के शुरू में वीडियो में बुलेट 350 के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं कंपनी ने कितना प्राइस बढ़ाया है क्या है स्पेसिफिकेशन है सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बताने वाला हूं सो आई होप ये वीडियो आप लोगों तो के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल केकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें सो so, चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं ब्रांड न्यू बुलेट 350 के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है देखिए आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको कलर ऑप्शन के हिसाब से जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है जिया दोस्तों कलर ऑप्शन के हिसाब से आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है अब ये जो नई वाली स्टैंडर्ड ब्लैक आई आप देख पा रहे हैं जिसका वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपको एक्सरूम प्राइस पड़ रही है लगभग वन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड एक लाख सन्तानवे हज़ार रुपये के आसपास की एक्स रूम प्राइज आ रही है बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो ये ऑन रोड प्राइस आएगी लगभग मिनिमम टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड दो लाख अट्ठाईस हज़ार रुपये के आसपास की ये ऑन रोड प्राइस जा सकती है ध्यान रखिए हर एक स्टेट एन सी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट की आर टी इंश्योरेंस चार्जेस से फर्क होता है आप लोगों क्या दोस्तों इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हालांकि देखा जाए तो प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है यार काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है पहले के कम्पेरिजन में चलिए दोस्तों आ जाते हैं इस बाइक के रिव्यू में सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों इसमें आपको इंजिन टाइप में थ्री फोर्टी नाइन सी सी सिंगल सिलेंडर इंजन जो है वो इस बाइक में हमें देखने को मिलता है ध्यान रखिए पुरानी वाली जो बुलेट आती थी उसमें आपको 346 वाला इंजन मिलता था बट इसमें आपको नया इंजन दे दिया कंपनी ने जो क्लासिक एंड अंटर में भी आता है 349 फोर्टी वाला इंजन इस इंजन में जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत ही कम है तो वो फील नहीं आता आई थिंक बुलेट वाला बात करें पावर एंड टॉवर के बारे में दोस्तों ये मैक्सिमम में पावर में 20.2 के आसपास का पीएस पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 27 के आसपास का जो निटमिटिन टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है सेम उतनी ही पावर आपको मिल रही है जो कि क्लासिक 350 में भी देखने को मिलती है तो ऑबीसी बात है पावर तो इसकी थोड़ी सी बढ़ गई है है ना थोड़ी सी बड़ी है पावर पुराने के कंपेरिजन में लेकिन वही है फिर वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक वो वाइब्रेशन वाला फील चाहिए तो वो चीज़ अब आपको इस बाइक में नहीं मिल पाएगी अब किसी को वाइब्रेशन चाहिए था किसी को वाइब्रेशन नहीं चाहिए था अब डिपेंड करता आप पे कि आपको क्या चाहिए चलिए बात करते हैं कूलिंग सिस्टम में तो कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको एयर कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है फ्यूल सिस्टम में बाइक में एफ आता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं बाइक में आपको बी एस सिक्स विथ ई ट्वेंटी नॉम्स वाला इंजन मिलता है इसकी बोर साइज सेवेंटी एम की है स्ट्रोक साइज नाइन्टी एम mm की है एयर क्लीनर पेपर एलिमेंट मिलेगा बाइक में बाइक में आपको फाइव स्पीड गियर बॉक्स आते हैं जी हाँ पाँच गियर के साथ में आती है ये साथ में बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है आपको बाइक में मिलता है एंड अ वाली बुलेट में आपको साइड स्टेन जिन कट ऑफ जो है वो भी मिलेगा पुरानी वाली बुलेट में नहीं आता था बट वो चीज़ भी अब आपको इस बाइक में मिल जाता है मतलब अगर बाइक गियर में है जो अगर आप स्टैंड नहीं उठाए तब तक ये सेल्फ नहीं लेगी अच्छा एक सेफ्टी फीचर है कह सकते हैं इसकी ज़रूरत होती है हर बाइक में होना भी चाहिए तो ये था इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको एकदम प्योर नया जो इंजन है वो आपको इस बाइक में मिल जाता है चलिए बात कर लेते हैं इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में उससे पहले आपको बता दूं इस स्पीस बाइक का कंप्लीट राइड रिव्यू भी अपने चैनल पे आएगा एक या दो दिन के अंदर आपको मिलेगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वो भी वी वीडियो देखना चाहते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इसके माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों माइलेज में आपको ये बाइक अराउंड थर्टी टू फोर्टी जी हाँ चालीस से चालीस सॉरी पैंतीस से चालीस के आसपास का जो माइलेज आपको इजिली निकाल कर दे देगी जीरो टू हंड्रेड में इसको लगभग सोलह सेकेंड लगते हैं टॉप स्पीड इसकी एक सौ दस किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप फिट हमें इसकी देखने को मिल जाती है बात करते हैं अब इसकी फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले इसकी लाइट देख पा रहे हैं सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि बाइक में दोस्तों आपको लाइटिंग्स में जो है पायलट लैम्प आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं जी हाँ हेलोजन पायलेट लैम्प मिलते हैं एलईडी डी लाइट इस बाइक में नहीं आती इसकी जो मेन लाइट है इसमें दोस्तों आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है जी कंपनी ने इसमें हेलोजन लाइट यूज की हुई है हाँ बाइक की जो हेलोजन लाइट है वो काफी अच्छी है यहाँ पे कोई डाउट नहीं है इल्यूमिनेशन uh, उसकी काफ़ी अच्छी है बट आई थिंक इसमें अब एल लाइट के बारे में भी कंपनी को सोचना चाहिए बाकी दोस्तों इस बाइक में आपको बताना चाहूँगा टर्न सिंगल लाइफ बल्ब देखने, देखने को मिलेंगे इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे सस्पेंशन का जो साइज़ है वो 35 फाइव एम एम जी पैंतीस एम mm एम का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें इस बाइक में मिल जाता है फ्रंट में आपको बाइक में टायर साइज़ में इस बाइक में बता दूँ नाइन्टी नाइन्टी नब्बे नब्बे की जो टायर साइज़ है फ्रंट में हमें इस बाइक में मिल जाती है ब्रेकिंग में आते हैं ब्रेकिंग में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो है टॉप मॉडल में आता है ये वाला कलर टॉप मॉडल में नहीं सेकंड टॉप में आता है आई थिंक ये आपको इसमें आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जी हाँ इसमें डुअल चैनल एबीएस है इसकी प्लेट साइज़ थ्री हंड्रेड एम एम है तीन सौ एम एम की जो प्लेट है वो आपको यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल में मतलब फ्रंट ब्रेकिंग में देखने को मिलती है तो प्लेट साइज़ आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी इस बाइक में मिल जाती है और अब देख पा रहे इसकी जो व्हील है वो आपको इसमें स्पोक्स देखने को मिलेंगे चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर प्रोफाइल में रियर प्रोफाइल में आपकी इस बाइक की जो टेल लाइट है उसका भी कंपनी ने डिज़ाइन चेंज कर दिया है पहले जो थी वो थोड़ा तो आ, कैसी थी कैसे बताओ आप लोगों को एकदम सरल हिंदी भाषा में बोलूँ तो वो चौकोन वाली आती थी बट अब जो आती है वो राउंड वाली आती है और चौकोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई मैं बोलगी अगर आपको पता हो तो बताओ वो वाली लाइट आपको मिलती थी बट इसमें अब आपको राउंड में देखने को मिल रही है रियर की जो टायर साइज है वो कंपनी ने बढ़ा दी है वो वर्टी सेवेंटी हो गई है पहले पतले आते थे बट अब वन थर्टी सेवेंटी के टायर मिलेंगे रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको

मिल जाता है बात करें अदर फीचर्स के बारे में तो लेफ्ट हैंड साइड में पासिस मैपिंग टर्न सिंगल लेफ्ट हॉर्न का स्विच है राइट साइड में इंजन किल्सिज सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है चलिए बात करते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2170 वन mm सेवन की बाइक की जो ओवरऑल विथ है वो 785 एटी फाइव एम की है तो उसकी ओवरऑल हाइट है 1090 जीरो नाइन जीरो की ग्राउंड क्लियरेंस है 140 फोटी mm एम की सीट हाइट है इसकी 800 सौ mm एम की आपकी एट अराउंड फाइव पॉइंट टू एस से ऊपर तो आप कंफर्टेबल नाइट करेंगे नहीं यार मिनिमम फाइव पॉइंट फोर ठीक है विल है तेरह सौ अस्सी एम एम की कर वेट है वन नाइन्टी फाइव के जी का एक सौ पंचानवे किलो की बाइक है फिल्टिंग कैपेसिटी पंद्रह लीटर के आसपास की देखने को

तो ये था दोस्तों आप लोगों के न्यू नवेली बुलेट 350 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन स्पेस, इस रिव्यू इसके एक रेड कलर का मैरून कलर है वो कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उसका रिव्यू भी आएगा बट इसका रिव्यू मैंने पहले इसीलिए लाया क्योंकि भाई ये आप लोगों को, को ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कलर स्टैंडर्ड का, का काफ़ी फेमस है बाकी आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बाइक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना चलिए उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी हुई दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल जय हिंद मंद मातरम